एवरीवन, सत श्री अकाल सारयां नूं। सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो देखो, आप क्लास 11th का सैकेंड चैप्टर डिस्कस करी जाते सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हुण तक आप तीन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अज के लैक्चर के आप डिस्कस करांगे फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखो, सारे नालों पहले तो समझते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होंदियां की हैगे। तुसी इन्हां नूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बोल सकते हो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल सकते हो। तो देखो, वर्ड की लिखा होएगा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब कि इहो जिहा ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हां दे विच कुछ लोग इकट्ठे होकर एक दूजे नूं कोऑपरेट करन लई मिल के काम करदे हैगे। इस तरह दीआं ऑर्गेनाइजेशंस नूं आपां की कहिंदे हैगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ अ वलंटरली एसोसीएशन ऑफ परसनस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की होंगी है, वलंटरली एसोसीएशन होंगी है कि कुछ परसनस की। वलंटरली एसोसीएशन मतलब कि सारे परसन जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैंबर बनेंगे, वो आपकी मर्जी नाल कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं ज्वाइन कर देंगे, तो आपकी मर्जी नाल वो कदों भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं छड्ड भी सकते। कोई भी परसन नूं, किसी भी परसन नूं, किसी भी बेसिस की रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी गी इसका मैंबर बनन वास्ते। सारे नूं खुली छुट होंगी है कि कोई भी बंदा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के आके मैंबर बन सकता है आपकी मर्जी नाल। तो यह की होंगी कि वलंटरली एसोसीएशन होंगी है कि कुछ परसनस की, हो ज्वाइन टूगैदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मैंबरस। तो ये परसनस कट्ठे क्यों होंगे है, इन्हों का की मोटिव होंगे है कट्ठे होंगे, इन्हों का मोटिव होंगे है आपके जो मैंबरस होंगे, जो भी परसन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंबर होगा उन्हों परसनस का वेलफेयर करना, कट्ठे मिल के इन्हों के कट्ठे होने का मोटिव यह होंगे है एक दूजे मैंबर का वेलफेयर करना। तो यहोजी ऑर्गनाइजेशन जिन्हों के कुछ लोग कट्ठे हो रहे हैं एक दूजे को कोऑपरेट करने, एक दूजे परसन को हेल्प प्रोवाइड करने, इदा दोसायटीज़ इदां दी ऑर्गेनाइजेशंस नूं आपां कहिंदे हैगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन शुरू करन लई तुहाडे कोल मिनिमम 10% दी रिक्वायरमेंट होनी चाहीदी हैगी। पार्टनरशिप दे विच आपां पार्टनरशिप जे फर्म शुरू करनी हैगी तो उत्थे रिक्वायरमेंट मिनिमम 2% दी हैगी, तो मैक्सीमम 50% हो सकदे आ। बट जे तुसीं कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करनी हैगी तो उहदे लई तुहाडे कोल घट्टो घट्ट किन्ने बंदे होने चाहीदे हैगे, 10 बंदे। जदों 10 बंदे इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहन आपके वेलफेयर लई एक दूजे बंदे दी, तो वह कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते। जे 10 तों घट्ट बंदे हैगे तो फिर वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन शुरू नहीं कर सकते। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुरू करन लई तुहानूं इन्हां नूं रजिस्टर्ड करवाना पौगा। तो रजिस्टर्ड किहदे विच होणगियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 दे अंडर। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड किहदे एक्ट दे अंडर हुंदा गा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे अंडर। ओवें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होंदियां हैगियां उन्हां नूं रजिस्टर करवाना आपां नूं कंपलसरी हुंदा हैगा, ते रजिस्टर्ड कित्थे होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 दे अंडर। यानी कि इस तरह दियां जो ऑर्गेनाइजेशनस होंदियां हैगियां इन्हां नूं किहड़ा एक्ट रेगुलेट करदा हैगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 इन्हां नूं रेगुलेट करूगा। मतलब कि किन्ने मैंबरस होणगे, 10 मैंबरस मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सीमम किन्ने हो सकदे आ, किहड़े बंदे दी किन्नी लाइबिलिटी होगी, ये जिहड़ा सारियां चीज़ां आपां नूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बारे दसदे हो, आपां नूं कौन किहड़ा एक्ट दसदा हैगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। तो दसो, इन्नी गल समझ आ गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की होंदी हैगियां, इहो जिहा ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों ने बनाई होंदी हैगी लोगों लई ही, मतलब लोगों लई, लोगों द्वारा बनाई हुई लोगों वास्ते एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नैक्सट है अपने कोल इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स, कि किवें तुसीं पहचान करोगे कि आह ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नहीं। तो देखो, सारे नालों पहला फीचर की हैगा जो आप डेफिनेशन दे विच पढ़ के आएंगे, वलंटरली एसोसीएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी दे विच जो भी मैंबरस होंगे है वो मैंबरस किवें एसोसीएट हुए होंगे है, वलंटरली एसोसीएट हुए होंगे है, किसी भी मैंबर की एंट्री तो किसी भी मैंबर की एग्जिट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। किसी भी कास्ट का परसन, किसी भी रिलीजन का परसन, कोई भी हाई इनकम लैवल, लो इनकम लैवल का बंदा, कोई भी परसन आपकी मर्जी नाल इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के मैंबर बन सकता है। तो सारे परसन जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शुरू करते हैं मिलकर या फिर इन्हों के मैंबर बनते हैं, उन्होंने एसोसीएशन की होंगी हैगी वलंटरली। नैक्सट की हैगा लीगल स्टेटस।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो लीगल स्टेटस हुंदेगा वो की हुंदेगा सेपरेट, यानी कि इन्हां दी एंटिटी जो हुंदी हैगी वो हुंदी हैगी सेपरेट लीगल एंटिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज दी एंटिटी की हुंदी हैगी सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब की हैगा सेपरेट लीगल एंटिटी हुंदा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज नू लॉ दीआं नज़रां दे विच आपां एक अलग डिफरेंट परसन समझांगे, ते जेड़े इहदे मैंबरस होणगे चाहे मान लो इहदे विच 50 मैंबर है चाहे इहदे विच मान लो कि 500 मैंबरस है, ये 500 मैंबरस जो ने इन्हां दी एंटिटी अलग होगी ते कोऑपरेटिव सोसाइटी दी जो एंटिटी होगी वह अलग होगी। कोई भी चीज़ जे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपके नाम से खरीद भी सकती हैगी, कोई भी चीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपके नाम तो बेच भी सकती है। जे किसी ने केस करना हैगा वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से केस होगा, ना कि इन्हां दे मैंबरस के नाम से होगा। जे कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी पर केस करना है तो वह भी आपके नाम तो केस करूगी, ना कि मैंबरस के नाम तो। तो इतने देखो एक एग्जाम्पल दिती हुई हैगी थोड़े को अमूल की। अमूल की हैगी एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैगी। तो हुण जो तुसी इहदा मतलब की हैगा सैपरेट लीगल एंटिटी का कि जो आप अमूल की गल कर रहे हुंदे हैगे ना, तो अमूल नूं आपां एक अलग परसन मानते हैं, तो जिन्हें भी परसनस अमूल दे विच मैंबरस ने गे उन्हां नूं आपां अलग अलग परसनस मनांगे। तो लॉ दीआं नज़रां दे विच कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की एंटिटी की हुंदी हैगी लीगल सैपरेट लीगल एंटिटी हुंदी हैगी। मतलब कि उन्हां नूं एक अलग परसन ट्रीट किया जाता है, मैंबरस नाल इक्वल समझा नहीं जाता। जिमें कि सोल प्रोपराइटरशिप दे विच ओनर ते बिजनेस दोनों की एंटिटी एक है, बट इत्थे ओनर ते बिजनेस की एंटिटी इको नहीं हैगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग, मैंबरस अलग। गल समझ आ गई। दैन की आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। हूँ सोल प्रोपराइटरशिप दे विच सैपरेट लीगल एंटिटी नहीं हुंदी, तां करके ओनर की लाइबिलिटी की हुंदी हैगी अनलिमिटेड। बट इत्थे आपां की कहता कि 500 मैंबरस जो ने वह अलग अलग परसनस ने, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैगी एक अलग परसन हैगी। तो इत्थे जेहड़े आह 500 मैंबरस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दे विच मैंबरस होणगे, इन्हां सारयां दी लाइबिलिटी की होगी लिमिटेड होगी। मतलब कि जे अमूल दी आपां लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी हैगियां तां उहदे लई आपां इन्हां 500 मैंबरस दे परसनल एसेट्स नूं यूज़ नहीं करांगे। सिर्फ किहदे एसेट्स यूज़ होणगे? अमूल दे एसेट्स यूज़ होणगे। उदों बाद आपां मैंबरस तों पैसे नहीं लवांगे। तो हर एक मैंबर की लाइबिलिटी की हुंदी हैगी लिमिटेड होगी, जिन्ना पैसा उन्होंने एज अ कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी दे विच दिता होएगा उन्हां दी लाइबिलिटी भी बस उसी पैसे तक होगी। एक्स्ट्रा आपां उन्हां दे परसनल एसेट्स यूज़ नहीं करांगे। गल क्लीयर होगी? बस एक चीज़ ध्यान से रख लिया करो, जिथे लीगल स्टेटस बिजनेस का अलग हो गया ओनर नालों, उत्थे लाइबिलिटी भी की हो जूगी? लिमिटेड हो जूगी। जिथे लीगल स्टेटस सेम हैगा ओनर ते बिजनेस दा, उत्थे लाइबिलिटी भी की होगी? सेम होगी। गल क्लीयर होगी? हुण नैक्सट अपने कोल थर्ड पॉइंट की आ जाता है कंट्रोल। हुण देखो आपां की कहेगा कि मैंबरस जिन्ने मर्जी हो सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी, बस मिनिमम 10 होने चाहिए। हुण किन्ने मैंबरस होणगे? 500 भी हो सकते, 1000 भी हो सकते, 2000 भी हो सकते। उन्हां बंदियां दे विचों कोऑपरेटिव सोसाइटी दे जो ऑपरेशंस होणगे, जो मैनेजमेंट होगी, वह कंट्रोल किहदे हथ विच होगा? तो जेड़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कंट्रोल होंदेगा उहदे लई आपां की कर देंगे, कुछ परसनस नूं की कर लेंगे? इलैक्ट कर लेंगे, एक इलैक्टेड कमेटी बना लेंगे जेड़ी कुछ परसनस दी। वो कमेटी की कर देगी सारा कंट्रोल, देखती हैगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। यानी कि इन्ना ही मैंबरस दे विचों आपां कुछ लोग चुन लेंगे जेड़े कंट्रोल जेड़े लोग की सारा कंट्रोल देखेंगे। गल समझ आ गई? तो कंट्रोल किहदे हथ विच हुंदेगा? इलैक्टेड मैंबरस दे हथ विच। दैन नैक्सट पॉइंट की हैगा सर्विस मोटिव। ये भी आप डेफिनेशन दे विच पढ़ के ही आए हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटिव की हुंदेगा? मैंबरस का वेलफेयर करना। तो इन्हां दा जो मोटिव हुंदा प्रॉफिट अर्न करना नहीं हुंदेगा। सब तो पहला इन्हां दा प्राइमरी मोटिव हुंदेगा सर्विस प्रोवाइड करना आपदे मैंबरस। नैक्सट हैगा इक्वल वोटिंग राइट्स। जे तुसी कोई भी डिसीजन लेना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग, तो उहदे वास्ते मैंबरस कोल की हुंदे हैगे? इक्वल वोटिंग राइट्स हुंदे हैगे। ये मैटर नहीं करता कि किसी बंदे ने वध पैसे लाए, किसी बंदे ने घट पैसे लाए गए। हर एक परसन को एक वोट होगी, तो वह इक्वली आपकी वोट नू यूज़ कर सकता है। वन परसन वन वोट वाला सिस्टम इत्थे फॉलो किया जाता है।
अपने को फीचर से कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे नालों पहला वॉलंटरली एसोसीएशन होंगी हैगी, दूसरा लीगल स्टेटस इन्हों का सैपरेट होंगे गा अपने मैंबरस नालों, सैपरेट लीगल स्टेटस होन करके सारे मैंबरस की लाइबिलिटी लिमिटेड होंगी हैगी, कंट्रोल जो होंगे गा वो कुछ इलैक्टेड परसनस इलैक्टेड मैंबरस के हाथों के होंगे गा, इन्हों का मेन मोटिव सर्विसिज वैलफेयर करना होंगे गा अपने मैंबरस का, तो लास्ट पॉइंट की हैगा सारे के सारे मैंबरस को इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे है, वह आपके वोटिंग राइट्स इक्वली यूज कर सकते, मतलब कि इतने जिन्हें भी मैंबरस होंगे वह इक्वल मने जाएंगे। दसो फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्लीयर होए, हूँ फीचर्स तो बाद आप डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स भी डिस्कस करने के, पर मैरिट्स एंड डीमेरिट्स आप डिस्कस करांगे टाइप्स तो बाद। पहले देखते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो होंदिया ने वह किन्ने तरह दियां होंदिया, तो देखो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस इतने लिखा होएगा छे तरह दियां ने, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वन बाय वन करके आप इन छियाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नू डिस्कस करांगे। सारे नालों पहला है अपने कोले कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की होंगी हैगी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होंगी हैगी वह कुछ कंज्यूमर्स मिलकर फॉर्म करते हैं, मतलब कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विच जो मैंबरस होंगे वह कौन होंगे है, कंज्यूमर्स होंगे, तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे मैंबरस कंज्यूमरस होंगे, इन्हों का काम की होंगे गा, इन का काम होंगे गा कि जो भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंबर होगा उन्हें वधिया क्वालिटी ते वधिया रीजनेबल प्राइसिस ते गुड्स नू प्रोवाइड करना, मतलब कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कर देंगी डायरैक्टली प्रोड्यूसर तो बल्क दे विच समान खरीद के मिडलमैनस नू खत्म कर देंदियां, विचों डायरैक्टली समान खरीद के रीजनेबल प्राइसिस ते आपदे मैंबरस नू प्रोवाइड कर देंगे, तो ये की होंगे जो भी मिडलमैनस की एक्सप्लॉयटेशन होंगी है कंज्यूमरस नाल वह खत्म करके डायरैक्टली प्रोड्यूसर तो समान खरीद के रीजनेबल प्राइसिस ते वधिया क्वालिटी के गुड्स यह आपदे मैंबरस नू प्रोवाइड कर दें। तो देखो की लिखा होएगा, the main objective of the consumers cooperative society is to protect the interest of the consumers, इन्हों का मेन मोटिव की होंगे गा कंज्यूमरस के इंट्रस्ट नू प्रोटेक्ट करना, सच कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड टू मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू दी कंज्यूमरस एट रीजनेबल प्राइसिस, इन्हों का मेन मोटिव की होंगे गा, इन्हों का मेन काम की होंगे गा कि वधिया क्वालिटी दिया गुड्स रीजनेबल प्राइसिस से कंज्यूमरस नू प्रोवाइड करना, कंज्यूमरस मतलब कि मैंबरस नू। दीज सोसाइटीज एलीमिनेट द मिडल मैन फ्रॉम द इंटायर प्रोसैस, एक ही कर देंगे पूरे प्रोसैस के मिडल मैनस न एलीमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, दे डायरैक्टली बाय द प्रोडक्ट्स इन बल्क फ्रॉम द होलसेलरस एंड सैल दैम एट अफोर्डेबल प्राइसिस, एक ही कर देंगे डायरैक्टली होलसेलरस तो या फिर डायरैक्टली सीधा प्रोड्यूसरस तो ही बल्क के गुड्स परचेज कर लेंगे, तो उन्होंने अफोर्डेबल प्राइसिस के कंज्यूमरस न सेल कर देंगे। इफ सच कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्न एनी प्रॉफिट इन दी ऑनगोइंग प्रोसैस, तो आ जो प्रोसैस है कि होलसेलर तो खरीद के कंज्यूमरस नू रीजनेबल प्राइस से देना, इस प्रोसैस के कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोई भी प्रॉफिट अर्न कर दिया नहीं गया, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी मैंबरस इन डिविडेंट्स, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच मैंबर और परचेजिस मेड बाय मैंबरस इंडिविजुअली, तो जे कोई भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है इन सोसाइटीज़ द्वारा तो वह की होंगे गा प्रॉफिट इन्हों के मैंबरस के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किमें करोगे जिनी जिनी सारे मैंबरस ने कैपिटल लगाई है पैसा लाया है इन्होंने सोसाइटीज़ के उस बेसिस से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे है, या फिर जिन्ना जिन्ना जेडे मैंबर ने समान खरीदया है उसकी रेशो के हिसाब से यह प्रॉफिट नू वंड। तो दसो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ आई कि एहो जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जेडियां कंज्यूमरस मिलकर फॉर्म करते हैं, तो यह कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमरस वास्ते ही बनाई जाती हैं कि मिडल मैन की एक्सप्लॉयटेशन नू खत्म करन लई ते कंज्यूमरस दे इंटरस्ट नू प्रोटेक्ट करन लई। क्लीयर होगी, नैक्सट ते मूव कर देंगे, नैक्सट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैगी अपने कोले प्रोड्यूसरस कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसरस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़
ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੂਲਸ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਚ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਫਾਇੰਡ ਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟਸ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁੱਟਸ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਨਪੁੱਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਫੰਡਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਫੰਡਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਗੈਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਦੀ ਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਪੁੱਟਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਦੀ ਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਏ ਦੀਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂਲਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। The profits of the producers cooperative society is distributed in proportion to the goods sold by each member of the society. ते जो भी profit होगा वह members के विच आपां distribute कर देने हैंगे। किवें distribute करोंगे? जिन्ना जिन्ना तुसी केड़े जेड़े जेड़े producer का समान बेचेगा उस according सारे नूं profit दे दिता जाऊगा। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ? ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ। ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਦੀਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇਨ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੂ ਫਾਇੰਡ ਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਸੈਲ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ। The output of all the small producers is brought together and sold at the best price. ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ? ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ।
such a society helps to improve the bargaining power and competitive position of its members. जो profit दे हुए बेचने दे विच help कर देंगे तो ओ दिनाल की होगा producer competitive market दे विच survive कर पाऊगा तो ये ओ ही चीज दे विच help करती है कि जेड़ा producer आप दी समान नू नहीं बेच पांदा properly market दे विच उन्हों आप दा समान बेचने दे विच help करके market दे विच ये survive करन दे विच help कर Then it performs various marketing functions. ते एदू इलावा products बेचन तो इलावा यह producers नू होल भी marketing करन दे विच भी help कर देंगे आपदे product दी जिवें कि marketing दे functions किवें की perform कर दिए products नू transportation store करन warehousing store करन दे विच help कर दिए pack करन दे विच grading मतलब packaging कहो जी होनी चाहिए दिया कि goods दी grading की होगी A grade the product, B grade the product, C grade the product या फिर market product दी advertisement वगैरह करने जो भी marketing कर marketing वस्ते अपन functions perform करने होंगे अगे वो functions perform करने दे विच भी A societies producers दिया help कर दिए The profits and the sale proceeds are distributed among the members according to their respective share in the common sales pool. जेड़े producer दे जिन्ना समान होगा, हुन आपा की क्या सी सारे आपा समान कट्ठा कर लेंगे, वो कट्ठे समान दे विचो जेड़े producer दे जिन्ना समान होगा, उस according आपा उन्नानु उन्नाना profit वांट देंगे। ता ए हम देंगे cooperative marketing societies. जो कि प्रोड्यूसर्स नू आपदे प्रोडक्ट दी मार्केटिंग ते उन्ना प्रोडक्ट्स नू मार्केट दे विच सेल करन दे विच वधिया प्रॉफिट दे विच हेल्प करदी है क्लियर होगी गल नेक्स्ट अपने कोले आंदी हैंगे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज दा काम हुंदा हैगा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना आपदे मेंबर्स नू जेड़े लोकां नू जे ए सोसाइटीज की कर देंगे जेड़ा भी इन्हां कोले फंड्स हुंदा मैंबरस ने जो पैसा इन्हां सोसाइटीज़ दे विच लाया हैगा वो पैसे नालों एक ही कर दिया आपदे मैंबरस नू फाइनैशियल हैल्प प्रोवाइड कर देगी लोनस वगैरह प्रोवाइड करके मार्केट दे विचों बैंक दे विचों जे आपां लोन लैने हैगे तो हाई रेट ऑफ इंट्रस्ट से आपां नू लोन मिलदा तो ये सोसाइटीज़ आपां नू घट रेट ऑफ इंट्रस्ट से लोन प्रोवाइड करके अपनियां फाइनैशियल हैल्प कर दिया तो की लिखा हैगा देखो Credit cooperative societies are formed to provide their members with reasonable credit facilities. एक ही कर देंगे credit facilities provide कर देंगे आपदे members नू. The main motive of these societies is to protect the interest of the people who get exploited by the high rate loan lenders. बाकी जिवें लोन लैंडर्स जो होंदे हैगे जो लोग आपां नू लोन दिंदे हैगे वो की कर देंगे बेसिकली ज़्यादा रेट ऑफ इंट्रस्ट चार्ज कर दे ज़्यादा रेट ऑफ इंट्रस्ट होन करके आप लोन नहीं लै पाते तो यह जो सोसाइटीज़ होंगे कि घट रेट ऑफ इंट्रस्ट से आपू लोन प्रोवाइड करके आपू जे लोग जेडे कि हाई रेट ऑफ इंट्रस्ट चार्ज करते कि उन्हों की एक्सप्लोइटेशन तो बचाने का काम करते क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड रीजनेबल लोन फैसिलिटीज़ टू फाइनेंशियल हेल्प सीकरस द लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कलेक्टेड कैपिटल एंड डिपॉजिट अमाउंट बाय द मेंबर्स दीज सोसाइटीज़ अवॉइड द एक्सप्लोइटेशन ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो इंट्रस्ट रेट्स क्लीयर होगी गल कि यह की करते जिन्ना पैसा मैंबरस ने एज अ कैपिटल लाया होंगे या फिर उन्होंने जो डिपॉजिट अमाउंट होंगी हैगी पैसे यूज करके अपन घट रेट ऑफ इंट्रस्ट से लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते द क्रैडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय फार्मरस इज नोन एज रूरल कोऑपरेटिव जी फार्मरस द्वारा बनाई होंगी हैगी रूरल क्रैडिट कोऑपरेटिव कह दें तो एंड क्रैडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड इन अरबन एरियाज उन्होंने आप कह दें अरबन बैंक्स क्लीयर होगी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी की काम कर देंगे लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करन दा अपन नू काम कर दे नेक्स्ट आ जाती है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी देखो नाम तो क्लीयर हो रहेगा फार्मिंग सोसाइटी हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दे अपन नू नाम तो ही क्लीयर होंदा हैगा कि सोसाइटी दे विच कहो जे लोग मैंबरस होंगे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी दे विच केड़े लोग मैंबरस होंगे जेडे कि फार्मिंग करते तो फार्मर्स इस सोसाइटी के मैंबरस होंगे इस सोसाइटीज़ के विच की होंगे कि बेसिकली जो छोटे छोटे फार्मर्स होंगे है वह कट्ठे होकर एक ऑर्गनाइजेशन फॉर्म कर लेंगे है तो कट्ठे मिल के लार्ज स्केल से जो फार्मिंग होंगी हैगी फायदा चकते हैं स्मॉल स्केल फार्मर हैगा तो उन्होंने बहुत सारी दिक्कत आ सकती है उन्होंने आपकी फार्मिंग लिए इनपुट्स सीड्स हो गए कोई मशीनरी की लड़ हैगी या फिर कुछ फर्टिलाइजरस की लड़ हैगी लैन के कई बार दिक्कत आ सकती है कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स जो सारे मिल के बंदे छोटे छोटे फार्मर्स कट्ठे मिल के पैसा लागे तो सारी फैसिलिटीज़ मशीन सीड्स फर्टिलाइजरस वगैरह खरीद सकते हैं तो एक दूजे बंदे की हैल्प
कर सकते हैं। तो ये सोसाइटीज़ इदा ही कर दें गए, छोटे फार्मर जो होंगे कट्ठे मिल के लार्ज स्केल पर फार्मिंग की किमें जाती है कि वह फायदा चकते हैं। एज दी नेम सजेस्ट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म्ड बाय फार्म टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटरस्ट ऑफ द फार्मर्स। ये फार्मर्स के फिजिकल ते इकोनॉमिक इंटरेस्ट नू प्रोटेक्ट करने लिए बनाई जाती है। क्या हेयर द अल्टीमेट गोल इज टू इनक्रीज फार्मिंग प्रोडक्टिविटी। फार्मिंग प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करना इन्हों का मेन गोल होंगे है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड द फार्मर्स विद ऑल द नेसेसरी फर्टिलाइजर सीड्स एंड टूल्स टू मैक्सीमाइज रिटर्न्स। ये सोसाइटीज़ फार्मर्स नू जो भी चीज़ा चाहिए होंगे सारिया चीज़ा प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर सीड्स टूल्स एटसैक्ट्रा, ताकि उन्होंने रिटर्न जो हो मैक्सीमाइज हो सकन। इट ऑल्सो हैल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। यह फ्रैगमेंटिंग लैंड होल्डिंग जो छोटे छोटे लैंड लैंड की सी डिवाइड कर दी गई, तो डिवाइड करने की होगा हर एक फार्मर को छोटे छोटे लैंड के टोटे बच गए थे। तो ये की करते कि कट्ठे मिल के कट्ठी लैंड करके जो तो फार्मिंग करते है तो जी फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है उन्होंने भी रिड्यूस करने हेल्प करते हैं। जो तो सारे फार्मर आपकी लैंड कट्ठी कर रहे तो क्या होगा, एक बहुत व्डा एरिया हो जूगा। द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज ऑलसो नोन एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिवस। इन्हों एग्रीकल्चर कोऑपरेटिवस भी कहा जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोऑपरेटिव इज टू प्रोवाइड बेनीफिट्स ऑफ मकैनडाइज फार्मिंग टू समॉल फार्मरस। मकैनडाइज फार्मिंग कही होंगी कि बेसिकली जिद आप मशीन वगैरह टैक्नोलॉजी वगैरह यूज कर देंगे। तो इन्हों सोसाइटीज़ का मेन मोटिव यही होंगे है कि फार्मरस में सारिया चीज़ा प्रोवाइड करना जो भी उन्होंने फार्मिंग लड़ हैगी, तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करना। तो इन्हों का मेन ऑब्जेक्टिव होंगे है फार्मरस में मकैनडाइज फार्मिंग भी हैल्प करना, क्योंकि स्मॉल फार्मर है तो कोई फंड घट हो तो वह मकैनडाइज फार्मिंग नहीं कर सकता। तो इस फार्म मैम सोसायटी का जो मैंबर होगा तो वह उन्होंने मकैनडाइज फार्मिंग करने भी हैल्प प्रोवाइड करेंगे। क्लीयर हो रहा है? देखो सारिया इको जी है, बस की है जिमें जिमें नाम अलग हो जाएंगे उम्मीद उन्होंने थोड़ा जहा काम अलग होंगे। मेन जो कोऑपरेटिव सोसायटी का काम होंगे वह आपके मैंबरस में हैल्प प्रोवाइड ही करना होंगे। हूँ लास्ट जी बची है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, यदा काम भी आपके मैंबरस में हैल्प प्रोवाइड करना है, बट कादे विच हैल्प प्रोवाइड करना है हाउसिंग फैसिलिटी के लोगों आपका घर बनाने हैल्प प्रोवाइड कर दें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज़। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड टू हेल्प लो इनकम पीपल बिल्ड अप देयर हाउसेज एट रीजनेबल प्राइस। जो भी लो इनकम लैवल पीपल ने उन्होंने आपके घर रीजनेबल प्राइसिस से बनाने हेल्प कर दें एवलियां सोसाइटीज़। द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी टू सच लो इनकम पीपल। ये की कर दें कई बार तो खुद घर बना के जो लो इनकम लैवल के परसन होंगे है उन्होंने रीजनेबल प्राइसिस से वो घर बेच दिंदिया ने। दीज सोसाइटीज़ बिल्ड हाउसिज फॉर लो टू मिडल इनकम ग्रुप्स एंड गिव दैम ऑप्शन टू पे बैक द अमाउंट इन सेवरल अमाउंट्स। घर बना के यह लो तो मिडल लैवल मिडल इनकम लैवल ग्रुप के जोड़े लोग होंगे है उन्होंने प्रोवाइड कर देंगे, तो उन्होंने ऑप्शन देंगे कि वह इंस्टॉलमेंट्स भी आपके पैसे पूरे कर सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्लैट्स और प्लॉट्स टू द पीपल टू बिल्ड अप देयर हाउसिज विद देयर ओन चॉइसिस। फ्लैट्स से प्लॉट्स भी देंदे हैं कि ताकि लोग आपकी मर्जी नाल घर भी बना सकन। मोर ओवर यह जो सोसाइटीज़ होंदियां कि यह मैंबरस नूं की कर देंगी आपका घर बनाने लिए लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देंगे। लोन फैसिलिटी देती लोन देता और लोन के पैसे नाल बंदे की करेंगे आपका घर तैयार कर लेंगे। तो वह लोन जो ये सोसाइटीज़ प्रोवाइड करती हैं वो रेट ऑफ इंट्रस्ट बहुत घट हों, घट इंटर इंस्टॉलमेंट्स के छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स के भी वह वापस कर सकते होंगे। तो इन्हों का मेन मोटिव होंगे है लोगों को आपका घर बनाने हेल्प करना। समझ आ गया छे दिया छे कोऑपरेटिव सोसाइटी। सब तो पहला सी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमरस की हेल्प करती है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स नू इनपुट्स प्रोवाइड करने विच हेल्प करती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, प्रोड्यूसर्स नू आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने विच हेल्प करती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फाइनैंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है लोगों को। फार्मिंग सोसाइटी फार्मर्स लिए बनाई जाती है, फार्मर्स नू हेल्प प्रोवाइड करती है फार्मिंग दे विच। तो लास्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लोगों को आपका घर बनाने यह हेल्प करते हैं। या तो यह घर बना के दे देंगे दे या फिर यह घर बनाने दे आप लोन भी दे देंगे दे। तो वो लोन की पेमेंट आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स के वापस कर सकते। गल क्लीयर हो गई?
हुण लास्ट अपने कोले बचदे हैगे मैरिट्स एंड डीमैरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो देखो की मैरिट्स एंड डीमैरिट्स हैगे, सारे नालों पहला इक्वैलिटी इन वोटिंग राइट्स, इहदा एक मैरिट है। चाहे बंदे ने जिन्ने मर्जी पैसे लाए घट या वध लाए गए मैटर नहीं करता, हर एक मैंबर कोले इक्वल वोटिंग राइट होगा। नैक्सट पॉइंट की हैगा लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आला आपा सोल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप दे विच की पढ़ के आए थे कि डीमेरिट पढ़ के आए थे कि इन्हां फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे विच ऑनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होंदी है, तो यह एक डीमेरिट है। हुण इहदे विच आपा की पढ़ी सी मैंबरस की लाइबिलिटी लिमिटेड, फिर इस तरह ऑर्गेनाइजेशन दे विच एक ही हो जूगी अपनी मैरिट हो जूगी कि मैंबरस दे आपा परसनल एसेट्स यूज नहीं करा। नैक्सट की हैगा स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस की हैगी, देखो आपा की पढ़िया सीगा फीचर्स दे विच कि इन्हां दी जो एंटिटी हुंदी हैगी वो सैपरेट लीगल एंटिटी हुंदी हैगी, आपा मैंबरस नालों इन्हां नूं एक अलग परसन मानते हैं। जदों इन्हां दी एंटिटी मैंबरस नालों अलग होगी तो फिर मैंबर आन चाहे जान, चाहे मैंबरस नूं कुछ हो जाए, उहदे नाल भी इन्हां दी एग्जिस्टेंस ते कोई फर्क नहीं पऊगा। इन्हां दी एग्जिस्टेंस की रहेगी, स्टेबल ही रहेगी। इकनोमिकल फंक्शनिंग, इन्हों की जो फंक्शनिंग होंगी हैगी वह बहुत ही इकनोमिकल होंगी हैगी। देखो हूँ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो आप गल करिए, आप कर रहे मिडल मैनस खत्म करके डायरैक्टली प्रोड्यूसरस तो समान खरीद, जो तुम प्रोड्यूसरस तो समान खरीदोगे तो आप सस्ता समान बिकूगा, तो आप रीजनेबल प्राइसिस से आपके की कर देंगे मैंबरस न दे दें। तो ये सारे जोड़े है इकनोमिकल फंक्शन परफॉर्म कर देंगे, मतलब कि रिसोर्स की घट वेस्टेज, घट तो घट वेस्टेज कर देंगे आपके ऑपरेशन परफॉर्म कर लगे। तो मोर ओवर जोड़े इन्ह के मैंबरस होंगे है वो ही सारा कंट्रोल सारी मैनेजमेंट देख लेंगे गे, तो उत्थे भी बाहरों अपन लोग हायर करने की लड़ नहीं होंगी गी मैनेजमेंट देखने लिए, तो वेद भी अपने को हो जाती है कि इकनोमिकल फंक्शनिंग। क्लीयर हो गया। हुण इन्हां दा जो मेन मोटिव हैगा सर्विस प्रोवाइड करना, वैलफेयर करना हैगा, लोगों की सहायता करना हैगा, तो इस तरह के ऑर्गनाइजेशनस नूं गवर्नमेंट वालों की मिल जाता हैगा सपोर्ट मिल जाता हैगा। इन्हां नूं आपदे ऑपरेशनस परफॉर्म करन लई गवर्नमेंट वालों ग्रांट्स मिल जांदियां गी, इन्हां नूं आपदे ऑपरेशनस परफॉर्म करन लई गवर्नमेंट वालों टैक्सिस तो छूट मिल जाती हैगी, गवर्नमेंट्स इन्हां नूं लोनस भी प्रोवाइड करदी हैगी, गवर्नमेंट्स इन्हां नूं चीज़ां दे विच सबसिडीज भी दे दिंदी हैगी। तो इस तरह की ऑर्गनाइजेशनस नूं गवर्नमेंट वालों फुल सपोर्ट होंगे। ईजी टू फॉर्म, आप कुछ भी ये फॉर्मेशन वास्ते कोई प्रोसीजर नहीं है, जस्ट की है इस तरह की ऑर्गनाइजेशन शुरू करने लिए तुम इन्हों रजिस्टर्ड कराना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर। तो रजिस्ट्रेशन करवाने लिए एक ही हो जाती है, शुरू हो जाती है, बट रिक्वायरमेंट एक सी मिनीमम 10 बंदे थोनू चाहिए है शुरू करने। होर मेन जो यदा फॉर्मेशन का प्रोसीजर होंगे कोई ज़्यादा कॉम्पलैक्स नहीं हैगा, ता करके ईजी टू फॉर्म। ओपन मैंबरशिप, वलंटरली एसोसीएशन हैगा, ओपन मैंबरशिप हैगी, कोई भी परसन कदों भी आ सकता है, कोई भी परसन कदों भी जा सकता है। कास्ट रिलीजन वगैरह के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमीनेशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी इस तरह दिया ऑर्गनाइजेशन से विच। क्लीयर हो गए मैरिट्स। सब तो पहला की हैगा वोटिंग राइट बराबर होंगे कि सारे को, फिर की हैगा मैंबरस की लाइबिलिटी लिमिटेड होंगी हैगी, इन्हों की एग्जिस्टेंस स्टेबल होंगी हैगी, मैंबरस के आन जाने वाले इन्हों कोई फर्क नहीं पैंदा, फंक्शनिंग जेडे इन्हों के ऑपरेशन होंगे है वह उन्होंने वेस्टेज रिसोर्स की घट होंगी हैगी, तो इन्हों की फंक्शनिंग इकनोमिकल होंगी हैगी, इन्हों गवर्नमेंट वालों फुल सपोर्ट होंगे है। तो नैक्सट की हैगा ईजी टू फॉर्म होंगी हैगी, तो लास्ट की हैगा इन्हां दे विच परसन की मैंबरशिप जी की होंगी हैगी ओपन होंगी है कि कोई भी परसन इन्हों ज्वाइन कर सकता है। मैरिट्स क्लीयर हो गए। नैक्सट लास्ट टॉपिक है अपने को डीमैरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हुण कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे विच लिमिटेशंस की ने, सब तो पहला हैगा लिमिटेड कैपिटल। हुण तुसीं कहोगे मैंबरस से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी, कोई भी बंदा ज्वाइन कर सकता, तो फंड्स अपने कोले बहुत ज़्यादा ही होंगे। नहीं, ज्वाइन कोई भी बंदा कर सकता है, बट जिहड़ी इत्थे कैपिटल अमाउंट मैंबरस ने जिहड़ा पैसा लाना है कोऑपरेटिव सोसाइटी दे विच, उहदे विच भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी, कोई भी बंदा आपदी मर्जी नाल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है जिन्नी मर्जी। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਦੈਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਲੈਕ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਲੱਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸਿਸ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਔਰ ਕੰਫਲਿਕਟ ਅਮੰਗ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਕੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਪਿਕ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ, ਮੈਰਿਟਸ ਐਂਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।